स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर ऑफ एलपीएम पब्लिक स्कूल, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू टॉपिक, दैट इज सब्ट्रैक्शन नंबर सम्स स्टोरी। वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा आज का है। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वन वीक से हम सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, देखा हमने कैसे बेगर नंबर को भी कैसे सॉल्व किया है, स्मॉलर नंबर को हमने कैसे सॉल्व किया है, कैसे हम नंबर को अरेंज करेंगे, प्रॉपर कॉलम में अरेंज करके कैसे हम ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासों में देखा है। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो जो हमारा है, आज का जो हमारा क्लास है, वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन पे है। तो आइए चलते देखते हैं कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन को यूज करते हुए वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को कैसे हम फेस करते हैं, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं विद स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट, वी हैव टू ऑलरेडी राइट डाउन सम क्वेश्चंस इन ए राइटिंग बोर्ड। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, दिव्या इज रीडिंग ए बुक दैट हैज 128 पेजेस। दिव्या इज रीडिंग ए बुक, दिव्या एक बुक पढ़ रही है, रीड कर रही है, उसमें दैट हैज 28 पेजेस एंड सी हैज रीड 98 पेजेस। टोटल पेज जो है उस बुक का, जो दिव्या उसको रीड कर रही है, वो कितने हैं? 128 पेजेस। अब 128 पेज में दिव्या ने क्या किया है, रीड कर रही है कितना, 98 पेजेस। 98 पेज उस बुक का दिव्या ने ऑलरेडी क्या किया है, रीड कर लिया। सो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हर टू रीड। तो और बाकी के पेजेस कितने ऐसे हैं जो बचे हैं जिसको दिव्या रीड करेगी। मींस टोटल पेज है 128 इन दिस बुक एंड 98 पेज दिव्या ने उसको रीड कर लिया है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, कितने पेज बचे हैं जो दिव्या उसको रीड करेगी, कितने ऐसे पेज बचे हैं जिसे दिव्या उसको रीड करेगी। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे वर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे विद स्टेटमेंट, ये हम आज के वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हम सॉल्यूशन करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले एक बार फिर से हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करते हैं। दिव्या इज रीडिंग ए बुक दैट हैज 128 पेजेस एंड सी हैज रीड 98 पेजेस, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हर टू रीड। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, इन द बुक कितने हैं, इज इक्वल टू 128 पेजेस। ओके, 128 पेजेस, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक। यहां पे ज्यादा डिफरेंस न करके, ज्यादा एक्सपेंसिव न करके नीचे ही फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज इक्वल टू 128 पेजेस। टोटल नंबर ऑफ द पेजेस इन द बुक इज इक्वल टू 128 पेजेस एंड नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय दिव्या, नंबर ऑफ द पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय दिव्या इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय दिव्या इज इक्वल टू
98, कितना है 98, ओके। नंबर ऑफ पेजेस रीड बाय दिव्या इज इक्वल टू 98, एंड देन आफ्टर अब हम क्या करेंगे, यहां पे पूछा है हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हर टू रीड, क्या करेंगे, पेज लेफ्ट फॉर दिव्या टू रीड, क्या लिखेंगे, पेज पेजेस लेफ्ट, पेजेस लेफ्ट फॉर फॉर दिव्या, पेजेस लेफ्ट फॉर दिव्या टू रीड, टू रीड इज इक्वल टू 128 माइनस 98 इज इक्वल टू 128 माइनस 98। आइए यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो 128 माइनस 98, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 12 हो गया, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, ये हमारा क्या हो गया 30 पेजेस, ओके 30 पेजेस, हमारा आंसर क्या हो गया 30 पेजेस आर, ये हमारा आंसर है 30 पेजेस आर, यानी यहां पे 128 से 98 को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है और वही हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पेजेस में से जो हमने सब्ट्रैक्ट किया है और जो हमने आंसर आया यहाँ पे 30 पेजेस, कितने पेज बचे हैं, तो 30 पेज में लिखेंगे 30 पेजेस आर लेफ्ट फॉर दिव्या टू रीड, 30 पेजेस आर लेफ्ट, 30 पेजेस लेफ्ट फॉर दिव्या, फॉर दिव्या टू रीड, ओके ये हमारा आंसर हो गया 30 पेजेस आर लेफ्ट फॉर दिव्या रीड। आइए एक बार क्वेश्चन को इसको अच्छे से देखते हैं, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ डियर स्टूडेंट दिव्या इज रीडिंग ए बुक दैट हैज 128 एंड सी हैज रीच 98 पेजेस, एक बुक है जिसमें टोटल पेज जो दिया है वो 128 पेजेस दिया है जिसमें दिव्या जो है 98 पेज रीड कर चुकी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, हाउ मेनी पेजेस आर लेफ्ट फॉर हर टू रीड, बाकी के जो पेज बचे हैं वो कितने पेज हैं जो आगे रीड करने हैं, तो हम उसके लिए क्या किए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक इज इक्वल टू 128 पेजेस एंड नंबर ऑफ द पेजेस आर रीड बाय दिव्या इज इक्वल टू 98, देन आफ्टर पेजेस लेफ्ट फॉर दिव्या टू रीड इज इक्वल टू 128 माइनस 98, 128 माइनस 98 वी गेट 30, सो 30 पेजेस आर लेफ्ट फॉर दिव्या टू रीड। चलिए वन मोर क्वेश्चन देखते हैं, हम सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा सेकंड जो दिया हुआ है स्टूडेंट्स बोर्ड पे हमने सेकंड क्वेश्चन को ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। साजिद ए फ्रूट सेलर, साजिद नाम का एक लड़का है जो क्या है वो एक फ्रूट सेलर है, वो फल बेचता है, तो साजिद ए फ्रूट सेलर है 560 केजी ऑफ एप्पल एंड सी सोल्ड 385 केजी ड्यूरिंग द डे, हाउ मेनी एप्पल आर लेफ्ट विथ हिम, साजिद के पास 560 केजी, यस 560 केजी एप्पल है, उसने वन डे में ड्यूरिंग द डे 365 केजी एप्पल जो है क्या करता है, सेल कर देता है, तो हाउ मेनी एप्पल आर लेफ्ट विथ हिम, मतलब कितने एप्पल बचे हुए हैं यही हमें निकालना है, इसी को हमें सॉल्व करना है।
तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। साजिद ए फ्रूट सेलर हैड 560 केजी ऑफ एप्पल। टोटल उसके पास जो एप्पल है वो कितने हैं? 560। एंड ही सोल्ड 385 केजी ड्यूरिंग द डे। हाउ मेनी एप्पल आर लेफ्ट विथ हिम? तो सबसे पहले हम लिखेंगे एप्पल विथ साजिद। एप्पल साजिद इज इक्वल टू 560 केजी। क्लियर है? एप्पल विद साजिद इज इक्वल टू 560 केजी। एप्पल सोल्ड ड्यूरिंग द डे, हम क्या करेंगे? एप्पल सोल्ड ड्यूरिंग डे इज इक्वल टू 385 केजी। एप्पल सोल्ड ड्यूरिंग द डे इज इक्वल टू 385। एंड नेक्स्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। एप्पल सोल्ड ड्यूरिंग द डे एंड एप्पल लेफ्ट विथ हिम। एप्पल लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू 560 केजी माइनस 385 केजी। ओके, 560 केजी माइनस 385 केजी। सो आइए चलते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं यहां पे। 560 केजी एंड माइनस 385 केजी, यहां पे 10 हो गया, ये 515 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो गया। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 15 माइनस 8 हमारा यहां पे है, इसको ध्यान देना है। 8 7 15, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ योर आंसर इज 175 केजी। क्या लिखेंगे? साजिद हैड, हमारा आंसर हो जाएगा ये, साजिद हैज 175 केजी एप्पल, 175 केजी एप्पल लेफ्ट। ओके, चलिए आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम देखते हैं और इसके हर एक स्टेप को अच्छे से क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कितना आसान था, हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना था विद इट स्टेटमेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा भी सेम उसी तरीके का है। साजिद ए फ्रूट सेलर हैड 560, दैट मींस 560 केजी एप्पल एंड ही सोल्ड 385 केजी ड्यूरिंग द डे। हाउ मेनी एप्पल आर लेफ्ट विद हिम? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन एप्पल विद साजिद इज इक्वल टू 560 केजी एंड एप्पल सोल्ड ड्यूरिंग द डे इज इक्वल टू 385। सो डियर स्टूडेंट, 560 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट बाय 385 एंड वी गेट द प्रोडक्ट इज 175 केजी। सो एप्पल लेफ्ट विद हिम इज इक्वल टू 560 केजी माइनस 385 केजी एंड वी गेट द प्रोडक्ट इज 175 केजी। सो योर आंसर इज Sajid has 175 kg apple left. I hope, is it clear to everyone? Dear students, mind this. This type of questions are very very important for you. बहुत सारे एग्जामों में इसी तरीके के क्वेश्चन दिए रहते हैं, बच्चे इसको समझ नहीं पाते। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में बच्चे फेस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि मुझे इसमें करना क्या है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में पहले उसको अच्छे तरीके से कंसंट्रेट माइंड से क्वेश्चन को रीड किया जाए। एक बार रीड कीजिए, दो बार रीड कीजिए, उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए रहते हैं जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से फेस करके उसके सोल्यूशन को आप बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकालेंगे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट्स को फाइंड आउट करने होते हैं, सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट में लाने पड़ते हैं, और उसी तरीके से हम आंसर को जान सकते हैं, और वही हमारा परफेक्ट आंसर भी होगा। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, उसे आप फाइंड आउट कीजिए, सॉल्व कीजिए, उनके हर एक स्टेटमेंट को बाइंड कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट क्लास में उस प्रॉब्लम को जरूर पूछें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।